Yo, what's up guys, Pragyan here, currently a second year MBBS student at AIIMS New Delhi and welcome back to the चैनल। तो यार आज की वीडियो बहुत ही हटके होने वाली है। आज हमारे साथ है राहुल भाई। तो यार इनका सेवेंथ अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली में हुआ है, तो एंड ही इज़ माई बैचमेट। करेंटली वी बोथ आर इन सेकेंड ईयर। तो यार मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनकी ही कहानी सुन रहा था यार, एंड इनकी कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया इनकी कहानी सुन के। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज मैंने एक बार राहुल को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, अब मैं चाहूंगा कि राहुल भाई एक बार आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। हाय, माय नेम इज़ राहुल कुमार यादव। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। आई एम इन सेकेंड ईयर MBBS फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। वी बोथ आर बैचमेट्स। तो राहुल भाई यार एक बार हमारे व्यूअर्स को अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दो। मेरे पापा, मेरी मम्मी हैं और मेरे भाई हैं, बड़े भाई, और मैं सिर्फ दो ही भाई हैं। मेरे एल्डर ब्रदर MBBS कर चुके हैं फ्रॉम श्याम सा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है और रीवा मध्य प्रदेश में। वहाँ से मैं MBBS पास आउट कर चुका है और PG एंट्रेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इस बार वो फॉर्म भरेंगे मार्च में। यही हम दोनों भाई का है। मैं तो एम्स दिल्ली में ही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। आज के डेट में हम दोनों लोग हम दोनों भाई सेलेक्टेड हैं एज MBBS, और मेरे बड़े ब्रदर PG एंट्रेंस के लिए वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो गाइज आइए सुनते हैं इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी इन्हीं की जुबानी। तो बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना 10th फ्रॉम लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर गोरखपुर से पढ़ी है। फिर 10th में EP, 12th मैं EP बोर्ड से पढ़ा है। उसके बाद से मैं कोटा गया और नीट प्रिपरेशन के लिए, और कोचिंग ज्वाइन की एलन कैरी इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैं 2013, 14, 15 तक मैंने तैयारी की। फिर भी मेरा मार्क्स मतलब MBBS कट ऑफ की जो सिलेक्शन थी उससे मैं 4 या 5 में, दो कभी एक बार तो 2 नंबर से रुका, एक बार 3 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो एज ए मतलब ये कहना चाहूँगा कि मैं दो दो तीन तीन नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है। तो उसके बाद से मैंने वहाँ से 2015 के बाद मैं 2016 में कानपुर गया। कानपुर से मैं UPCPMT की तैयारी किया। तो उसके बाद भी वहाँ पर मेरा फिर अगेन 2 नंबर से रुका MBBS के लिए। तो फिर वहाँ से मैं बनारस गया 2017-18, फिर 19, फिर 20 में एलएन अगेन ज्वाइन किया ऑनलाइन से। तो उसके बाद से 2021 में मेरा एम्स न्यू दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। इतने लॉन्ग जर्नी के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है एट 7th अटेम्प्ट पे। तो राहुल भाई जैसे कि आपने बताया कि आपने 7 अटेम्प्ट में नीट को फोड़ा, तो यार आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको ऐसे डिप्रेशन आता होगा कभी कभार कि यार मैं इतने अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा नीट क्लियर क्यों नहीं हो रहा? आपने अपने डिप्रेशन को और इन वीक पॉइंट्स को कैसे ओवरकम किया, एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दो। हाँ, पहले हम ये समझा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले वीक पॉइंट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं कभी एनसीआरटी पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस कौन कौन से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो हम डेली टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं, तो उन क्वेश्चन जो गलत वाले क्वेश्चंस होते हैं मैं पहले उसे एक जगह लिख लेता था और मैं उसको एक तरह से रिवाइज करता था डेली, और नेक्स्ट टेस्ट में एक बार उसको देख लेता था कि मतलब ये है कि उस पॉइंट से अगर कहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। और जो मैं डेली पढ़ता था वो तो ऐसे विश्वास करता था कि नहीं होगा, यहाँ से गलती कोई नहीं होगा, और मैं एक जगह लिख लेता था सबसे अच्छी पॉइंट दिए थे मेरे लिए। और मैं डिप्रेशन के लिए कि ये बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा सपोर्ट वाली बातें करते थे कि तब कितना भी खर्चा आएगा तुम पढ़ो, हम पैसे देंगे, तुम डरो नहीं। और मैं एज ए इंडिविजुअल, अब मैं अपनी लेवल पर बात करूँ तो मैं गॉड पर ज़्यादा विश्वास रखता था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा। मैं अपनी प्रिपरेशन देख के बोलता था कि मेरा हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो जैसा कि राहुल भाई ने बताया कि वो अपनी गलतियां एक नोटबुक में लिख लेते थे, तो यार ये मैं भी करता था। मैंने भी एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी। एंड यार आई सजेस्ट यू गाइज एज वेल कि आप अपनी मिस्टेक्स एक नोटबुक में लिख लो, ताकि यू कैन रिवाइज ऑल योर मिस्टेक्स वन डे बिफोर द एग्जाम, और ताकि आप वो गलतियां एटलीस्ट वापस रिपीट तो ना करो। मिस्टेक्स करना सही है, लेकिन उनको रिपीट करना बहुत ही गलत बात है। तो इस टेक्निक के थ्रू आप उन गलतियों को रिपीट नहीं नहीं करेंगे। कर तो सकते। यार राहुल, तुमने बताया कि तुमने 7 साल प्रिपरेशन करी और तुम कोटा में हॉस्टल में भी रहे, कोचिंग भी जाते थे, तो साल का कोचिंग का खर्चा अलग 1 लाख और हॉस्टल में रहने का खर्चा अलग, तो यार साल का 2-2.5 लाख तो खर्चा बन ही जाता होगा। तो यार तुम्हारे पेरेंट्स ने इस खर्चे को कैसे सपोर्ट किया? हाँ, जैसे आप सही बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स तो मैंने बहुत बहुत सपोर्टिव हैं और वो खेती करके ही पढ़ाया उन्होंने मुझे।
बहुत ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने, मेहनत करके। वो हमेशा यही करते कहते थे कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम बस सिलेक्शन लेकर ही दिखा दो मुझे, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। और उन्हें मेहनत किया, मैं इस बात का मैं भी बोलता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया मुझे। तो यार मतलब सल्यूट टू दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स। या तो राहुल यार एक बार शॉर्ट में तुम व्यूअर्स को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता दो अपनी, तुमने क्या फॉलो करी। जी, हमने बायोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो मैं एनसीईआरटी ही बस पढ़ी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एलएन का जो मॉड्यूल है मैंने वो सॉल्व किया है, फिर आकाश का मॉड्यूल भी सॉल्व किया है। और हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैंने पूरी बात सब थ्योरी पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ी है, और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने मतलब एलएन का मॉड्यूल ही सॉल्व किया था, और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए थे, प्रीवियस जो आए हुए नीट में क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया था। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, पिछले 15 साल का क्वेश्चन तो करना ही होता है, सबको करना होता है। फिर आकाश का भी मॉड्यूल सॉल्व किया था केमिस्ट्री के लिए। फिर मतलब फिर अगर हम फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, उसका थियोरी पॉइंट। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर सॉल्व की थी, फिर प्लस एलएन का मॉड्यूल भी, फिर आकाश का मॉड्यूल भी सॉल्व किया था, फिर प्लस एस सी वर्मा की जो सिलेक्टेड मेडिकल लेवल की जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किया था मैंने। ये मेरी स्ट्रेटेजी है पढ़ने का। तो यार काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई राहुल ने जो वो फॉलो करते थे। तो यार ऐसे ही आप लोगों को भी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, काफ़ी एक्सटेंसिवली बुक्स सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे टू सिक्योर एम्स दिल्ली की सीट या फिर कोई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट। तो आपको ये सब एक्सटेंसिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो यार राहुल भाई डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। हाँ, डिप्रेशन से मैं ये बोलूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है कि मतलब आप, मैं जब पढ़ता था कोटा में तो ऐसा न्यूज़ चैनल में देखता था, या मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता था कि बहुत से बच्चे सुसाइड कर ले जाते थे। मतलब एक बहुत बहुत बड़ी गलती है, कोई कोई भी स्टूडेंट ऐसा सुसाइड ना करे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार अपनी कमजोरी वीक जो पॉइंट है उस पर आप फोकस कीजिए, और एक बार फोकस जरूर करेंगे और एक जगह लिख लेंगे जो आपकी गलती है, मिस्टेक है, तो आप जरूर इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे, और आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, वो पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं वैसे में। और अपना जो जो फेवरेट टीचर होते हैं कोचिंग से, उनसे जाके मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, और अपनी बातें जो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा या क्या करूँ आगे, ऐसा क्या करना है, तो आपको जरूर वो अच्छी बातें ही बताएंगे। और हमेशा एक पॉइंट ये भी है कि हमेशा गॉड पर विश्वास रखना चाहिए कि मैं कर ले जाऊँगा। और ज़्यादा मतलब अगर आपको ज़्यादा ही और भी बातें सुननी है तो जैसे यूट्यूब पे बहुत से इंस्पिरेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी भी होती हैं, तो कम से कम वो भी देख लेना चाहिए, तो एक तरफ से आपको एक मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा कि मतलब आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो आपकी सुसाइडल थॉट्स है वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो तुम भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखा करते थे हाँ, मैं प्रिपरेशन। देखा करता था। चलो सही। तो राहुल भाई यार एक फाइनल मैसेज तुम्हारा क्या रहेगा फॉर आर व्यूअर्स और शायद जिनमें कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे, तो उनके लिए तुम क्या फाइनल मैसेज बोलना चाहोगे। मतलब ये कहना चाहूँगा कि मैं कि आप अपने हमेशा अपने पढ़ाई पर फोकस रहे, और आपकी क्या मतलब कमजोरी पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको एक जगह लिख लें और उसको बार बार देखते रहें। फिर दूसरी बात कि अपने आप अपने गॉड पर हमेशा विश्वास रखें कि आप कर ले जाएंगे, क्योंकि सोचा तो हम ही लोगों ने, हमें ही करना है, और डिप्रेशन की क्या बात, क्या सोचनी, कोई बात नहीं। आपकी कोई भी कोचिंग में कैसी भी रैंक आ रही हो उसको डोंट मैटर, उसके बारे में सोचे ही मत। आप हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, और आपकी कैसी भी प्रिपरेशन हो आप हमेशा विश्वास रखें आप कर ले जाएंगे, तो जरूर गॉड भी आपकी सहायता करेंगे, जरूर सहायता करेंगे, आप जरूर सेलेक्ट होंगे, आप विश्वास रखें। बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया मैसेज दिया राहुल ने। तो जो आपकी कोचिंग में रैंक आ रही है तो आप उसको मतलब उस रैंक पे इतना फोकस ना करें, पर जो आप गलतियां कर रहे हैं उन पे जरूर ध्यान दें, उनको आप नोट कर लें और उनको इम्प्रूव करें जैसे कि राहुल भाई ने बताया अभी। तो गाइस जैसे कि मैंने और हम सब ने राहुल भाई की इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी, आई रियली सल्यूट टू हिज डिटर्मिनेशन एंड आई सल्यूट टू हिज पेरेंट्स एज वेल, जिनने राहुल भाई के सारे जो भी एक्सपेंसेस थे उनका ध्यान रखा और उनको बोला, उनको पुश करते रहे कि वो कर लेंगे, उनको बस बोला कि तुम प्रिपरेशन पे ध्यान दो बाकी हम देख लेंगे। अगर राहुल भाई ने कर लिया तो यार आप लोग भी कर लेंगे, आप बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें और लगे रहें। तो यार दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।